जी सर चलो नमस्कार विद्यार्थियों उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है राजस्थान श्रृंखला का जो आज नया भाग लेके आए हैं उसकी बात हम करेंगे जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि आज क्लास शुरू हो चुकी है सभी को नमस्कार गुड इवनिंग आज से शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की जो कल रह गया था उसको ही आगे बढ़ाएंगे अपन और आज का यह प्रश्न है हमारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में किस योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई यह हमारा पहला प्रश्न है सभी को नमस्कार गुड इवनिंग हाँ अब यह हमारा पहला प्रश्न है इसका आपको जवाब देना है जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं यह योजना जो है वह किसके स्थान पे शुरू की जा रही है जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का जवाब आपसे ही लेना है बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न राजस्थान यानी भार, भारत आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में किस योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई वेरी गुड आप सभी ने जो उत्तर दिया है डी वह उत्तर नहीं है इसका जो सही उत्तर है यह जो योजना है यह भामाशा स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई है यह आपको ध्यान रखना है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए अब इसको जरा समझिए कैसे है भामाशा स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर ठीक है कैसे है भामाशा स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर जरा प्रश्न को समझिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि यह योजना आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना इसको यहां तक पढ़िए यहां पढ़ने के बाद आप इसको आगे पढ़िए राजस्थान में केवल यहां राजस्थान में पूछा है राजस्थान में किसके स्थान पे राजस्थान में किस योजना के स्थान पर शुरू की गई आई बात समझ में यह प्रश्न इस तरह से है राजस्थान में किस योजना के स्थान पर शुरू की गई है इसका जब उत्तर पूछा जाए तो इसका उत्तर जो होगा हमारा यह होगा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के योजना के स्थान पर देखो पता चला क्लियर हो गया प्रश्न आपने जो उत्तर किया था वह गलत था क्यों गलत था क्योंकि आपने इसका उत्तर यह कर दिया था और यह उत्तर गलत कारण यह है राजस्थान की किस योजना के स्थान पर शुरू की गई अगर यही प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि आयुष्मान भारत गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना किन किन योजनाओं के स्थान पर शुरू की गई केवल किन किन योजनाएं लिखा होता और इसमें राजस्थान नहीं लिखा होता तब हम इस प्रश्न का उत्तर जब राजस्थान नहीं होता तब हम इस प्रश्न का उत्तर क्या करते डी करते ऐसी कंडीशन में इसका जो उत्तर होता तब डी होता बोलो समझ आ गया क्लियर हो गया इस तरह से प्रश्न था चलो एक बार चेक करते हैं दोबारा हां बिल्कुल आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में किस योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई तब हमारा सही जवाब क्या होगा हमारा सही जवाब होगा ये अगर राजस्थान लिखा हुआ नहीं है तब इसका उत्तर होगा ये ओके आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखो राजस्थान में भामाशा स्वास्थ्य बीमा योजना है वो दो चरणों में शुरू हुई यह पहला चरण है यह इसका प्रथम चरण है यह चरण फर्स्ट है और यह चरण सेकंड है ये चरण सेकंड है आपसे पूछे कि भामासा स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई तो आपका जवाब होगा भामासा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी 13 दिसंबर 2015 फिर आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि भामासा स्वास्थ्य बीमा योजना के बाद में आपसे पूछा गया भी इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ तो हम कहेंगे 13 दिसंबर 2017 अब इन दोनों चरणों को अगर देखा जाए तो इसमें 30000 से 3 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है ठीक है यह राजस्थान की योजना है हाँ बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कल शाम को फ्री नहीं हो पाया इसलिए नहीं ले पाया मैं क्लास ओके बात कर रहा हूं मैं आप, आप आराम से समझिए इस प्रश्न को हाँ चेक करते हैं तो देखो 13 दिसंबर दो इसके बाद में लिखा तेरह दिसंबर दो मतलब इन दोनों योजनाओं को जोड़ के यह योजना प्रारंभ की गई अब हमारा एक प्रश्न और बना आगे उसको चेक करते हैं भमाशा स्वास्थ्य बीमा योजना के बाद में अपने से पूछा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यही वो योजना है जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं ये सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत राजस्थान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना ओके प्रश्न कल का है बहुत इंपॉर्टेंट है याद करते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आयुष्मान भारत योजना आराम से समझिएगा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में लागू करने की घोषणा कब की गई मतलब यहां पर ई ऑप्शन अगर आपसे ये पूछे एक सितंबर 2019 तो अब आप इसको क्या जवाब दोगे मतलब चार ऑप्शन बन गए कब लागू करने की घोषणा की गई ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा गया तो आपका क्या जवाब होना चाहिए यह आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूं हां सभी को नमस्ते चेक कीजिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए कल के अखबार की थी यह प्रश्न यानी यह श्रृंखला और कल की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं आप इसको चेक कीजिए हाँ तो आप लोग जानते हैं इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न जो है इस तरह से देखते हैं तो देखो इसको लागू करने की घोषणा की गई और जब लागू करने की घोषणा की गई तो मैं बात करूं तो इसको 25 जून को लागू करने की घोषणा की गई थी आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कितनी तारीख को, को लागू करने की घोषणा की थी तो 25 जून बिल्कुल सही है उत्तर और यह कब से लागू हो जाएगी एक सितंबर से लागू होने की संभावना है से इसको लागू कर देंगे ठीक है दोनों बातें समझ में आ गई लागू करने की घोषणा कब हुई और लागू कब की गई दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग हैं, आपको याद रखना है ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान विश्वविद्यालय के हाल ही में अध्यक्ष कौन बनी है आपको पता है चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और जो विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनके रिजल्ट आए हैं चुनावों के और उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्वविद्यालय के चुनाव कब हुए थे तो ध्यान रखना चुनाव हुए थे 28 अगस्त को और ये जो रिजल्ट आया था परिणाम जो आया था वह आया था 29 अगस्त को यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यानी इसमें इसका जो सही उत्तर है वह है पूजा वर्मा ओके बिल्कुल सही है आप लोगों का उत्तर हाँ इसमें आपको कम से कम दो तीन तो याद करने हैं जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयनारायण व्यास है महात्मा यानी एमडीएस है ये कम से कम आपको थोड़ा याद होना चाहिए ये प्रश्न बन सकते हैं हाँ बिल्कुल ये पहली दलित बालिका है महिला है जो छात्रा है जो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की क्या बनी है अध्यक्ष बनी है याद करना यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना है और निर्दलीय है सबसे मेन बात यह है निर्दलीय है ओके हम और बात करते हैं आगे जोधपुर और सभी की बात कर लेते हैं जैसा कि आपने जोधपुर लिखा है देखिए आपके सामने पूरी लिस्ट है यस विश्वविद्यालय संगठन और अध्यक्ष देखो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष पूजा वर्मा है और यह निर्दलीय है ओके नंबर दो एक तो यह याद करना आपको इसके बाद में देखो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है रविंदर सिंह भाटी इसके अध्यक्ष बने हैं वो भी निर्दलीय है ध्यान देना मैं जहां निशान लगा रहा हूं कम से कम वो तो पढ़ नहीं है ओके अच्छा ओके सर ओके चुनाव सत्ताईस को है बिल्कुल बहुत अच्छा कहां हुए थे इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय निखिल राज सिंह एबीवीपी से बने हैं। ये दो तीन आपको थोड़ा याद करना है फिर एक और याद करना है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय इसके रामेश्वर छाबा एबीवीपी मतलब ये तीन आपको याद कर लो बहुत है एक तो ये दूसरा ये तीसरा ये विश्वविद्यालय और चौथा ये बाकी देखो सारी लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है कम से कम आप इतना याद कर लो हाँ जी ओके ये आप आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है कॉलेज कॉलेज जितनी भी है उन श्रृंखला को अपन को याद नहीं करना है हमारा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है राजस्थान का वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका आपका उत्तर याद होना चाहिए देखो उदयपुर अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल उदयपुर है ना निखिल राज सिंह एबीवीपी से बने बिल्कुल आप आराम से चेक कर लीजिए इसमें से चार बिंदु आपको याद रखना है राजस्थान विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास मोहनलाल सुखाड़िया महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय फिर हम आगे बढ़ते हैं नंदी गौशाला राजस्थान के किस जिले में है नंदी गौशाला राजस्थान के किस जिले में है जिसका शिलान्यास 29 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया बात समझाई ये बहुत महत्वपूर्ण है तो देखिए आप लोग इसको आराम से समझिएगा ये कल की बात है और ये बाड़मेर में हुआ था ये कल की स्लाइड चेक कर रहे हैं हम आज की नहीं पढ़ रहे हैं हम कल का यूनिट पढ़ रहे हैं ये कल करवा देते किसी कारणवश नहीं आए अपन तो देखिए आपके सामने यह प्रश्न है इसका उत्तर है बाड़मेर और आपको पता है मेडिकल कॉलेज भी खोला गया बाड़मेर में एक चिकित्सा महाविद्यालय भी खोला गया एक चिकित्सा महाविद्यालय भी खोला गया बोलो बात सुन आ गई नंदी महाविद्यालय यानी गौशाला कहाँ है तो आपका जवाब ये होगा और एक चिकित्सा महाविद्यालय भी खोला गया ये महत्वपूर्ण सूचना थी कल की मैंने आपको साझा कर दी है फिर देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने मेडिकल कॉलेज तथा नंदी गौशाला का उद्घाटन किया है इसकी थोड़ी सी व्याख्या थी जिसको अपन ने वहीं पढ़ लिया है कंप्लीट हो चुका हमारा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किसे दिया गया गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपका प्रश्न आ रहा था मैं उसकी बात ही कर रहा हूं और यह आपके सामने भी है तो ध्यान दें 19 की अपन लोग बात कर रहे हैं तो 2019 में बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को दिया गया यहां पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है आ, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दू और वो इस तरह से है यहां पे यह श्रृंखला है कि खेल रत्न अवार्ड जो है इसको आपको बनाना है मेरे साथ के साथ बनाओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और यह श्रृंखला कई बार पूछी जाती है भाई है ना तो अपन इसको चेक करते हैं खेल रत्न अवार्ड की श्रृंखला को कई बार आपसे यह पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार पहले प्रारंभ किया खेल के संबंध में और निम्न में से कौन सा पुरस्कार बाहर यानी बाद में प्रारंभ किया गया ओके हाँ बिल्कुल अभी मैं सारी चर्चाएं कर लूंगा आपसे कौन कहा गया हुआ है पहले आप इसको देखिए यहां प्रश्न क्या बनेगा यहां पर प्रश्न यह बनेगा कि निम्नलिखित निम्नलिखित खेल अवार्ड की श्रृंखला में निम्नलिखित खेल अवार्ड की श्रृंखला में सही क्रम क्या है सही क्रम क्या है प्रारंभ करने को लेकर अवार्ड प्रारंभ करने को लेकर यह प्रश्न आपसे पूछा गया करने को लेकर यह प्रश्न पूछा गया इस तरह से तो आप देखो इसको थोड़ा समझिएगा यह प्रश्न अपने सामने है इसके विकल्प में आपके सामने बता देता हूं इसका फर्स्ट विकल्प यह आएगा अर्जुन अवार्ड फिर दूसरा आएगा ध्यानचंद अवार्ड फिर तीसरा आ जाएगा जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल रत्न अवार्ड और फिर चौथा आ जाएगा जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड इस तरह से आ जाएगा और इसका सही क्रम पूछा जाएगा कि कौन सा पुरस्कार पहले प्रारंभ हुआ कौन सा बाद में हुआ ऑप्शन इस तरह से आ जाएंगे एक दो तीन चार ऑप्शन बी आ जाएगा दो एक चार तीन सी आ जाएगा इस तरह से आपसे पूछा जाएगा तब आप इसका क्या जवाब दोगे प्रश्न आपको ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण है तो देखो इसको थोड़ा सा समझना सबसे पहले उन्नीस में अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ था फिर देखिए उन्नीस सौ में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू हुआ था फिर देखिए उन्नीस में द्रोणाचार्य अवार्ड शुरू किया गया था और फिर देखिए 2002 में ध्यानचंद अवार्ड शुरू किया गया था अब आप लोग आराम से इस प्रश्न को कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपको ध्यान रखना है आप याद करिए ऐसा प्रश्न अगर आता है तो इस तरह से करना है आपको यानी आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेल रत्न अवार्ड के अवसर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें कितने प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं ठीक है यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है आराम से समझना जरा तो ध्यान दें यहां पर जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं खेल रतन पुरस्कार के साथ उनकी टोटल संख्या है सात सात प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं खेल रतन अवार्ड के साथ साथ अब कौन कौन से हैं वो सब मैं बता रहा हूं फिर इसकी व्याख्या मैं कल आपको बताने वाला हूं ठीक है यह हमारा प्रश्न था अब मैं उसकी व्याख्या बता देता हूं सबसे पहले देखो क्रम से बात करें तो सबसे पहले दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ठीक है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और जैसा कि खेल रत्न अवार्ड की मैं बात करूं तो आपने अभी हाल ही में पढ़ा भी है खेल रत्न अवार्ड यह सबसे पहले दिया जाता है इसमें साढ़े सात लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें साढ़े सात लाख रुपए में, में दिए जाते हैं और यह हाल ही में जो दिया गया वह बजरंग को दिया गया है बजरंग पूनिया को और नंबर दो पे दिया है दीपा मलिक को अब आप लोग मुझे यह कहोगे सर बजरंग पूनिया को तो अभी तक दिया नहीं है हां बिल्कुल नहीं दिया है। इनके लिए अलग से समारोह आयोजित हो जाएगा और दे दिया जाएगा ओके ध्यान दीजिए हाँ ठीक है अब प्रश्न यहां पे यह बना कौन सा राजस्थानी है जिसको यह पुरस्कार मिला है आज तक कितने राजस्थानियों को यह पुरस्कार मिला है यह बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं तो यहां पे जो राजस्थानी है वह इस तरह से है पहले नंबर पे सबसे पहले है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करेंगे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और नंबर दो पे है देवेंद्र झांझड़िया देवेंद्र झांझड़िया तो मैंने आपके सामने दो बातें रखी और दोनों प्रश्न आपके साथ है आप राजस्थानियों कि को यह पुरस्कार मिला तो दो को मिला है अब देखो देवेंद्र जांजड़िया जी को 2017 में मिला था और राज्यवर्धन सिंह जी को 2005 में मिला था यानी आज तक राजस्थान खेल रत्न अवार्ड से जो सम्मानित है वह दो है यह आपको ध्यान रखना है बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है फिर हम अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे अर्जुन अवार्ड जो है अगर बात करते हैं तो इस साल अर्जुन अवार्ड लोगों यानी खिलाड़ियों को दिया गया और अर्जुन अवार्ड में पांच लाख रुपए की राशि दी जाती है इन उन्नीस में से एक राजस्थानी है और वो है सुंदर गुजर और सुंदर गुजर अभी खेलने के लिए फ्रांस गए हुए हैं आपको मैंने कल बताया था उसमें भाग लेने के कारण बाडमेर से हैं और देवेंद्र जांजरिया चूरू से हैं ओके अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कि यह जो अर्जुन अवार्ड है 19 में से कितने राजस्थानी हैं एक ओके एक कौन है वह समझिए वह है सुंदर गुजर और सुंदर गुजर उपलब्ध यानी यहां थे नहीं इसीलिए याद करना इनको बाद में दिया जाएगा मतलब यह तो प्रश्न है ना इस तरह से इनको देखना है ठीक है आगे बात करते हैं अब हमारा प्रश्न ये क्या है अब मैं आपसे बात कर लेता हूं हां राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं यह आप ध्यान रखेंगे जयपुर से नहीं तो यह था हमारा अर्जुन अवार्ड अब हम आगे बढ़ते